नमस्कार मुद्दे की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे नविबई महानगर पालिका चुनाव की जिसका इंतजार बीजेपी को है और उसके साथ ही सत्तारूढ़ शिवसेना और उसके सहयोगी दल कांग्रेस और एनसीपी को भी है इस चुनाव का इंतजार उन पार्टी कार्यकर्ताओं को ज्यादा है जो इस बार चुनाव लड़कर नगर सेवक बनना चाहते हैं लेकिन उससे भी ज्यादा इंतजार सोलह लाख नवी नवंबईकरों को है जो नगर सेवकों की तकदीर लिखेंगे लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर यह चुनाव होगा कब आखिर चुनाव की आचार संहिता कब लागू होगी कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉकडाउन के साए में चला आ रहा प्रशासन राज आगे भी जारी रहेगा यह इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि बीते दो साल से नईम्बई महानगर पालिका में अभिजीत बांगर बतौर प्रशासक काम कर रहे हैं यहां 2020 मई में चुनाव होने थे सारी तैयारियां चल रही थी उसी बीच मार्च में कोरोना के कारण लॉकडाउन लग गया और तब से लगातार चुनाव की तारीख बदलती रही है नगर सेवकों का कार्यकाल खत्म होने से मनपा आयुक्त अभिजीत प्रशासक बन गए आज उनके ही नेतृत्व में नोम महानगर पालिका का सारा कामकाज चल रहा है तो क्या यह मान लिया जाए कि नई मुंबई मनपा का चुनाव एक साल और नहीं होगा कहीं ऐसा तो नहीं कि महाविकास आघाड़ी दल जानबूझकर नई मुंबई मनपा चुनाव नहीं कराना चाहते हैं यह भी हो सकता है कि जब ब्यूरोक्रेसी और प्रशासकों के जरिए सब काम हो रहा है तब उद्धव सरकार सवाल पूछने वाले और दबाव देने वाले लोक प्रतिनिधियों को तैयार करने की जरूरत क्यों समझे संभवतः यही वजह है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार नवी मुंबई में प्रशासक के जरिए शासन चलाना चाहती है जिस तरह चुनाव की तारीखें बदल रही हैं उससे तो यही संकेत मिल रहे हैं आप कहेंगे कि तारीख तो तय नहीं हुई फिर बदल कैसे रही है तो अब मैं आपके सामने कुछ जानकारियां साझा करना चाहता हूं जिससे आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि आखिर नवी मुंबई मनपा का चुनाव क्यों टल रहे हैं पांच साल के कार्यकाल के बाद 15 मई 2020 तक नवींबई मनपा में नई कार्यकारिणी बनती थी यानी चुनाव के बाद नए नगर सेवक और पार्टी सत्तारूढ़ होने वाली थी लेकिन नहीं हुआ यह जानने से पहले एक बात और जान लीजिए 2018-19 में जब एनसीपी नेता गणेश नाइक ने 50 नगर सेवकों के साथ बीजेपी में प्रवेश किया था तब से मनपा की सत्ता सीधे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बजाय भाजपा के हाथ में चली गई थी और यहाँ एनसीपी का पत्ता साफ हो गया लेकिन इसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तब एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना की सरकार बन गई और गणेशनायक विरोधी खेमे में आ गए सत्तारूढ़ होते हुए ही एनसीपी ने नौिमबाई मनपा पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश शुरू कर दी शिवसेना भगवा लहराने का दावा करने लगी और इसी उधेड बुल में नौिमबाई मनपा के चुनाव की तारीख आगे बढ़ती रही पहली बार तय हुआ था मार्च अप्रैल 2020 में चुनाव होंगे लेकिन लॉकडाउन के कारण टल गए फिर हालांकि 1 साल के तीन लॉकडाउन तक जाने के बाद राज्य के कई पंचायत और जिला परिषदों के चुनाव हुए, हुए। होंगे लेकिन फिर टल गए फिर नई तारीख फरवरी मार्च दो के सामने आई लेकिन वह भी हवा हवाई होकर रह गई नवम्बई में चुनावी तैयारियां पूरी हो गई थी लेकिन आचार संहिता नहीं लगी चुनाव की हालिया तारीख जुलाई से अक्टूबर 2021 के बीच की थी लेकिन आचार संहिता की बजाय महाविकास आघाड़ी सरकार ने पैनल पद्धति की घोषणा कर दी यानी अब मनपा के चुनाव तीन सदस्यीय पैनल पद्धति से होंगे जाहिर है इसके लिए वार्डों को नए सिरे से पुनर्रचना की जरूरत है जिसमें समय लगने वाला है ऊपर से जनसंख्या वृद्धि के लिहाज से पंद्रह फीसदी सीटों को बढ़ाना है यानी अब नवंबई में 111 की बजाय 122 सीटों पर चुनाव होंगे जिसके लिए अगले साल फरवरी मार्च 2022 में चुनाव कराने की संभावना है हालांकि एक्सपर्ट मानते इसलिए और आगे यानी एक साल आगे जून से सितंबर तक आगे जा सकते हैं अब असली सवाल यह है कि आखिर महाविकास आघाड़ी सरकार इन तारीखों को लगातार आगे क्यों बढ़ा रही है एक्सपर्ट मानते हैं कि तीनों पार्टियों में आपसी वर्चस्व को लेकर लड़ाई है आपस में नहीं बन रही है सब अलग अलग चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसलिए अंदर खाने अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हैं शिवसेना युवा सेना का संवाद कार्यक्रम और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ताओं के साथ संवाद समारोह इसका संकेत देता है डिप्टी सीएम अजीत पवार की नई मुंबई में दिलचस्पी भी कई संकेत दे रही है कांग्रेस भी पीछे नहीं है यदा कदा अपनी जोर आजमाइश करती दिखा रही है हालांकि बीजेपी नेता अंदर खाने अपने काम में जुटे हैं नवी मुंबई में कहने के लिए मुकाबला महाविकास आघाड़ी और बीजेपी के बीच है लेकिन असल में मुकाबला सभी पार्टियों का एक दूसरे के साथ है एक्सपर्ट मानते हैं कि यही वजह है कि सब अपनी लड़ाई अपने दम पर जीतने के जुगाड़ में जुटे हैं लेकिन असली सवाल तो यह है कि जीतने के लिए चुनाव होने चाहिए जिसकी उम्मीद अभी कम दिख रही है बीजेपी का कहना है कि महाविकास आघाड़ी हार के डर से मनपा चुनाव से भाग रही है लेकिन इसके पीछा बड़ा कारण मुंबई बीएमसी चुनाव माना जा रहा है बीएमसी बीएमसी के लिए लिए बड़ी तिजोरी है है इसके लिए पहले चुनाव जीतना चाहती उसने पहले ही अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है शिवसेना बीएमसी चुनाव के जरिए जनता का रुझान जानना चाहती है जिसके अनुसार नवीन मुंबई मनपा और अन्य चुनाव के लिए रणनीति बनाई जा सके ऐसे में यह साफ है कि चुनाव टालने के पीछे कहीं ना कहीं हार और जीत का भय सता रहा है ऐसे में फिलहाल कहना कठिन है कि नहीं भाई मनपा चुनाव कब होंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि फिल्म फिल्मी के तर्ज पर मनपा के चुनाव को लेकर सरकार सिर्फ तारीख पर तारीख दे रही है ताकि खुद को जीतने लायक बनाने का वक्त मिले खैर इतना तो सच है कि चुनाव जब भी होंगे जीत हार का फैसला तो जनता ही करेगी लेकिन मुकाबला बेहद कड़ा होगा तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा आज मुद्दे की बात में इतना ही अगली बार हम फिर किसी नए मुद्दे के साथ दोबारा आपसे रूबरू होंगे तब तक हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबरों का नया अड्डा टीवी वन इंडिया नमस्कार लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत